दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली के DRS लेने पर भड़क उठे पाकिस्तान के दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन विराट कोहली ने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में DRS लेकर सभी को हैरान कर दिया। ऐसे में विराट कोहली के रिव्यू लेने पर पाकिस्तान के तमतमाए दिग्गजों ने अपना बयान जारी किया। अरे बयान छोड़िए, आपत्ति जाहिर की है सीधी बात। इस बीच वसीम अकरम, इंजमाम उल्हक से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर विराट कोहली के रिव्यू लेने पर भड़कते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज कप्तान? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान पर खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन भारतीय टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। तो इसका पीछा करने के लिए जैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर आई, साउथ अफ्रीका की टीम के विकेट निकालने के लिए भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से एक्साइटेड दिखाई दी। इस दौरान जब बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराए। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन विराट कोहली ने आगे आकर रिव्यू की मांग की। ऐसे में विराट कोहली को रोहित शर्मा की जगह पर पहले कप्तानी करते देख पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे और उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन रोहित शर्मा के कप्तान होने के बावजूद विराट कोहली रिव्यू लेकर कप्तान का अपमान कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कप्तान के होने के बावजूद किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तानी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली को अगर कप्तानी करने का इतना ही शौक है तो वो खुद कप्तान क्यों नहीं बन जाते, उन्होंने कप्तानी क्यों छोड़ी थी। मेरा मानना है कि रोहित शर्मा की मौजूदगी में विराट कोहली का कप्तानी करना काफी गलत है। ऐसे में BCCI और ICC विराट कोहली पर एक्शन अवश्य ले, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन है। तो वहीं पे इंजमाम उल्हक ने बयान देते हुए कहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से खिलाड़ियों का ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ रोहित शर्मा की मौजूदगी में विराट कोहली ने कप्तानी की है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से आपको कप्तानी कप्तान की मौजूदगी में करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर आपका कप्तान टीम के साथ फिलहाल मौजूद नहीं है तो आप अनुभवी खिलाड़ी होने के चलते कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कप्तान का अपमान कर रहे हैं ये तो गलत है, क्योंकि कप्तान का डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में कप्तान का अपमान करते हुए आप अपने आप को श्रेष्ठ खिलाड़ी समझ रहे हैं। तो वहीं पर शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि अफ्रीका की टीम के खिलाफ रोहित शर्मा को कप्तान नियुक्त किया गया है, लेकिन जब कोई भी बल्लेबाज आउट होता है तो सबसे पहले विराट कोहली आगे आकर रिव्यू की मांग क्यों करते हैं? अगर रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली को कप्तान बनना ही था तो उन्होंने कप्तानी छोड़ी ही क्यों थी, वो BCCI से बातचीत करके अपनी कप्तानी वापस ले सकते हैं। इस तरीके से आप रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में विराट कोहली की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, ऐसे में जब वो कप्तानी कर सकते थे तब उन्होंने किया लेकिन अब नहीं, लेकिन कप्तान की मौजूदगी में आपको कप्तानी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं पर शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि अफ्रीका की टीम के खिलाफ रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है, लेकिन फिर भी विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है तो रोहित शर्मा को ही कप्तानी करनी चाहिए, ना कि विराट कोहली को। विराट कोहली खिलाड़ी होने के नाते रोहित शर्मा की मदद कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उनके फैसले से पहले ही अपने आप को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली को अगर कप्तानी करने का इतना ही शौक है तो वो खुद कप्तानी क्यों नहीं कर लेते हैं, रोहित शर्मा को कप्तान बनकर क्यों दिखा रहे हैं मैदान में। मेरा मानना है कि BCCI और ICC को विराट कोहली पर कार्यवाही करनी ही चाहिए। दोस्तों, जब किंग कोहली ने अपने एक फैसले से अंपायर को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई तो रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए थे। यहां तक कि अब रोहित ने कोहली को धन्यवाद करते हुए उस लम्हे पर जो बड़े बड़े खुलासे किए उनकी बातें सुनकर आप भी विराट को सलाम करेंगे। तो आखिर क्यों रोहित ने कहा कोहली को धन्यवाद? ऐसा क्या कुछ किया कोहली ने बीच मैदान में जिसने टीम इंडिया को अब तक मुकाबले में जिंदा रखा? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान
मान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के हाथ कुछ खास सफलता नहीं लगी, जहां भारतीय गेंदबाज भी लंबे समय तक बेबस नजर आए। लेकिन फिर किंग कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक 3 विकेट चटकाकर न केवल अफ्रीका को दिन में तारे दिखाए बल्कि पूरे मुकाबले का पासा ही पलट गया। दरअसल दोस्तों, जब टीम इंडिया को विकेटों की बहुत दरकार थी, गेंदबाज बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल ओवरों के बीच में विराट कोहली विकेटों के पास आते हैं और उसमें कुछ बोलते हुए सुनाई देते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों बेल्स को उठाया और उन्हें बदल कर दोबारा से सेट किया। ये देखकर तो अफ्रीकी खेमा भी हैरान रह गया था कि आखिर क्यों विराट बार बार विकेटों से छेड़खानी कर रहे हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कोहली ने ऐसा क्यों किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका असर हमें देखने को मिल गया। जब टीम के लिए 29वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टोनी देव जर्जी को जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कीगन पीटरसन को भी जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया और 31 ओवरों में दूसरी ही गेंद पर उन्होंने पीटरसन को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की कमर तोड़ के रख दी थी, जहां विराट के काले जादू की वजह से भारतीय टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली। तो केवल इतना ही नहीं, पारी का 62वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर बैरन के खिलाफ कॉट एंड बोल्ड की अपील किंग कोहली ने बेहद जोर से की थी, हालांकि अंपायर ने उस पर आउट नहीं दिया। अब कप्तान के ऊपर था कि वो रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन विराट कोहली ने तो बिना रोहित से पूछे ही उनके सामने ही अंपायर से रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। यहां तक कि अंपायर ने भी उसे थर्ड अंपायर के पास भेज दिया और बल्लेबाज को आउट करार देना पड़ा क्योंकि गेंद उनके बल्ले में लगी थी। बस फिर क्या था, कोहली का ये जबरदस्त फैसला देखकर तो रोहित के भी होश उड़ गए थे। आखिर हो भी क्यों ना, कोहली की वजह से ही भारतीय टीम को एक के बाद एक 3 सफलताएं मिली और अफ्रीका दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक केवल 256 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा भी बेहद खुश नजर आए और किंग कोहली की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, रोहित ने कहा कि कोहली कब क्या कर जाए ये कोई नहीं समझ सकता, ये बात तो सभी जानते हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोहली टीम को लीड करे, गेंदबाजों और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, सबसे सीनियर प्लेयर की तरह फ्रंट से विरोधी टीमों का सामना करे और उसने हमेशा ऐसा किया है। आज भी उसने जबरदस्त टोटका किया था, मुझे लगता है कि उसी की वजह से हमें 2 सफलताएं हासिल हो पाई। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोच केवल उसी की हो सकती है, वो सच में कमाल का है। वहीं आगे रोहित शर्मा ने कहा कि जब राहुल और कोहली ने मुझे रिव्यू के लिए कहा था तब मैंने सीधा कोहली की तरफ देखा था, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता और ओवर एक्साइटेड नहीं होता। उसने जैसे ही रिव्यू का इशारा किया मुझे पता था कि बल्लेबाज आउट है, मुझे उस पर बहुत भरोसा है। यदि सच कहूं तो आज दूसरे दिन हम केवल कोहली की वजह से सर्वाइव कर पाए हैं। थैंक यू कोहली, उम्मीद है कि आप बल्लेबाजी में शतक लगाकर हमें ये टेस्ट मैच भी जिताएंगे। तो दोस्तों, सच में रोहित शर्मा तो किंग कोहली की तारीफ करने से थक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान में खेला जा रहा है। कहने को तो हमारी बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन केएल राहुल का शतक भारत को 245 तक हमें ले गया और शुरुआती दौर में हमें गेंदबाजी में 1 विकेट भी मिल गया। लेकिन 1 विकेट हम पर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा, एक बेईमानी अंपायर की हमें ले डूबेगी, भला किससे पता था। दोस्तों, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले, लेकिन जिसका विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका विकेट लेने के समय पर तो अंपायर ही अड़ गए और अफ्रीका का ऐसा साथ दे डाला जिसे दोस्तों बेईमानी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन एक ही बल्लेबाज ने लगाए, डीन एल्गर ने। दोस्तों, डीन एल्गर ने अपनी टीम के लिए पूरे 135 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि इस खिलाड़ी का विकेट ना हमें पारी के 12वें ओवर में ही मिल जाता, वो तो अंपायर बीच रास्ते में आ गए और कर डाली ऐसी बेईमानी जो पूरी तरीके से भारत को ले डूबी है इस मैच में। दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गुड लेंथ डिलीवरीज को देखते हुए तो डीन एल्गर भी चौंक गए थे, हालांकि वो एक चौका जड़ चुके थे। लेकिन फिर मामला पहुंचता है इस ओवर की 5वीं गेंद पर। दोस्तों, अब एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा डीन एल्गर को और गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जाती है दोस्तों केएल राहुल के हाथों में। विराट कोहली भी बिना क्षण गंवाए कहते हैं कि आवाज तो आया है, हालांकि सब कंफ्यूज थे कि गेंद पैड पर लगी है या फिर सिर्फ बल्ले पर। लेकिन दोस्तों, असल बात तो ये थी कि गेंद पहले बल्ले पर लगी, हल्का सा पैड का किनारा लेकर गई और फिर गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। परंतु दोस्तों, जैसे ही अंपायर ने नॉट आउट दिया ना, तभी भारत ने DRS रिव्यू लिया और वही करना भी चाहिए था। लेकिन फिर तो थर्ड अंपायर ने भी इसे अंपायर्स कॉल करार दे दिया और भारत इस रिव्यू से ना चाहते हुए भी ना हाथ धो बैठा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने रिव्यू तो गवाया ही, साथ ही साथ अंपायर की बेईमानी कितनी भारी पड़ी जरा ये भी सुन लीजिए कि डीन एल्गर उस वक्त पर ना 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे
और दोस्तों वहां से उठकर ये खिलाड़ी आगे चलकर 135 रन से ज्यादा बना गया और दिन का खेल खत्म होने तक ये स्कोर बढ़कर 140 तक पहुंच चुका था, जिससे कि साउथ अफ्रीका को मिली मदद और वो पहुंचे 256 पर। 200 अंपायर की एक बेईमानी भारत को ले डूबी है इस मुकाबले में, और तभी तो उनके फैसले को देखकर दोस्तों मैदान में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भौचक्के रह गए थे, उनके भी होश उड़ गए थे।